कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर एन नेचुरल नंबर्स तक के नंबर्स प्रिंट करना चाह रहे हैं और यूज़र इनपुट करेगा मुझे कहाँ तक के नंबर चाहिए। तो वाइल हमने यहाँ पे लिखा एन इज लेस और इक्वल टू 10, ओके, देन प्रिंट। अब प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पर एन को प्रिंट करेगा और एन पर इंक्रीमेंट लगा होगा, यानी एन इक्वल टू एन प्लस एन इक्वल टू एन प्लस वन। एक इंक्रीमेंट लगाने का तरीका ये भी है कि आप प्लस इक्वल वन का यूज़ कर दीजिए। तो ये क्या है कि जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे लास्ट टाइम, ठीक है, एडिशन एडिशन असाइनमेंट या इसको कहते हैं असाइनमेंट एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसे, ठीक है, आप जैसे मतलब इंटर करेंगे एन इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा ठीक है, एन की वैल्यू 10 हुई, सॉरी एन से हम डिक्रीमेंट लेंगे, ठीक है, जब तक कि थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस मुझे लेना है व्हेन एन इज ग्रेटर देन और, ठीक है, किससे, जीरो से, ठीक, देन एन पर एक डिक्रीमेंट लगा होगा। तो हमें उस नंबर से और पीछे तक की सारी नंबर प्रिंट करेगा। या सिंपली देखिए, अब 11 यहाँ पर चूंकि क्या है कि एन इज ग्रेटर देन, जैसे 11 अगर बात करें तो 11 देखिए यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है, तो 10, 9 एंड 0, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कंडीशन पे थोड़ा सा ऐसा लिख दूँ कि थोड़ा सा कंडीशन कहीं पर वो हो रही है, तो यहाँ पर एन इज लेस ग्रेटर देन 0, तो एन इक्वल टू एन माइनस, ओके, सॉरी यहाँ पर अच्छा वैल्यू अभी इनपुट नहीं ली है मैंने, ये यहाँ पर स्टेटमेंट हमें लेना पड़ेगा, देन इंटर वैल्यू द 10 और 10 के बाद मैंने वाइल लूप लगाया, देखिए, ठीक है। तो 0 नंबर्स नहीं, तो हमने उस नंबर से और पीछे तक के सारे नंबर्स, इसमें 0 अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो बिल्कुल, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम वाइल का लूप एल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी वाइल का लूप, तो मैंने लिखा काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0, देन मैंने लिखा वाइल और काउंट इज लेस दैन इक्वल टू द, लेस और इक्वल लगा सकते हैं आप, 5, ओके, देन प्रिंट करेगा, ठीक है, काउंट की वैल्यू देगा पहले कॉमा और इज लेस देन देन 5 से हम नीचे की वैल्यू को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल हटा लेते हैं, ठीक, ठीक है, और काउंट पर इंक्रीमेंट चलेगा, काउंट पर मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया, देन एल्स स्टेटमेंट लास्ट में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एल्स स्टेटमेंट का लगाया और एल्स स्टेटमेंट लिखा कि प्रिंट और काउंट इज नॉट लेस देन 5, ओके, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू 0 जितनी भी लेस थी प्रिंट हुई और जैसे ही वैल्यू 5 हो गई तो वैल्यू जो कि लेस नहीं रही इक्वल पे आ गई और हमारा एल्स स्टेटमेंट चल गया, यानी जब तक कंडीशन